पिछले एक हफ्ते राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण ने लोगों की समस्या को काफी हद तक बढ़ा दिया है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना संक्रमण के मामलों में भी पिछले एक महीने से उतार चढ़ाव जारी है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बढ़ते वायु प्रदूषण के कारण कोरोना के खतरे को लेकर लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। हाल ही में स्पेन में किए गए एक अध्ययन के अनुसार लंबे समय तक वायु प्रदूषण के संपर्क में रहने के कारण कोरोना संक्रमण के बढ़ने के साथ पहले से संक्रमित लोगों में इसके गंभीर रूप लेने का जोखिम बढ़ गया है। जर्नल एनवायरमेंटल हेल्थ में प्रकाशित अध्ययन में वैज्ञानिकों ने संक्रामक रोगों पर पर्यावरणीय कारकों के प्रभाव के बारे में बताया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि कोरोना के इस दौर में वायु प्रदूषण का बढ़ना गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। वहीं यदि समय रहते वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय कर लिए जाते हैं तो कोरोना के साथ साथ अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम को भी कम किया जा सकता है। आइए आगे की स्लाइड में इस बारे में विस्तार से जानते हैं। एयरबॉर्न संक्रमण का बढ़ गया है जोखिम। शोधकर्ताओं के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण कोरोना वायरस के एयरबॉर्न संक्रमण का जोखिम बढ़ गया है। एयरबॉर्न संक्रमण किसी भी स्थान पर अधिक से अधिक लोगों को वायरस की चपेट में ला सकती है। शोधकर्ताओं का कहना है कि पिछले अध्ययनों में देखा गया है कि जिन स्थानों पर वायु प्रदूषण का ज्यादा जोखिम था वहां पर कोविड-19 के मामलों और मौतों की अधिक घटनाएं सामने आई थी। वायु प्रदूषण कोरोना वायरस और लंबे समय तक हवा में मौजूद रहने का माध्यम दे सकता है। ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इस तरह की और हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।